सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है, यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फ्रेटर्निटी की बेहतरी, आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस, सोशल वेलबींग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। खासतौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले
आप ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।